हेलो बच्चों, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है ब्लॉक एंड टैकल पुली। ठीक है, इससे पहले के लेक्चर्स में मैंने आपको पढ़ाया था कि सिंगल फिक्स पुली क्या होता है, सिंगल मूवेबल पुली क्या होता है और ये दोनों कैसे काम करते हैं। ठीक है, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो मशीन की पुली की लगातार वीडियो लाइन से हमारी प्लेलिस्ट में है, आप वहां से जाके वो वाली वीडियोस देख लो, तभी ये वाली वीडियो समझ में आएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। जिन बच्चों ने वो वाली वीडियो देखी है तो कुछ की पॉइंट्स हम पहले रिवाइज कराएंगे, पहले वो वाले की पॉइंट्स आपको देखने। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है बच्चों, आज का टॉपिक है ब्लॉक एंड टैकल, ठीक है, पुली। इसको कॉम्बिनेशन ऑफ पुली भी बोल सकते हो। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ पुली। ठीक, कल का लेक्चर आप सभी ने देखा ही होगा, नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लो, बार बार नहीं कहना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि अभी यहां पे आंखें टंग जाएंगी आपकी, आंखें टंगने का मतलब है कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जिनको ये आता है, जिन बच्चों को लगता है कि हम धुरंधर हैं, हम इसी वाले टॉपिक से समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसी वाले टॉपिक से पढ़ो। ठीक है, तो कुछ की पॉइंट्स हम पहले रिवाइज कराएंगे बच्चों, हर बार की तरह रिवाइज करना ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले बताओ बच्चों, हमने क्या पढ़ाया था। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज पे नहीं जाएंगे, हम जाएंगे अ सिंगल फिक्स पुली। ठीक है, सिंगल फिक्स पुली की बात करते हैं बच्चों। जो बच्चों सिंगल फिक्स पुली होता है वो कैसे एक्ट करता है, वो क्या करता है, डायरेक्शन ऑफ एफर्ट को चेंज कर देता है। ठीक है, तो चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। अब बच्चों आपको यह भी पता है कि जब डायरेक्शन ऑफ एफर्ट को चेंज करता है तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना निकल के आया था, मैकेनिकल एडवांटेज किसके बराबर था, बन के बराबर। ठीक है, आई बात समझ में, सर क्या पढ़ा रहे हो, इसीलिए कह रहे पहले मशीन की सारी वीडियो लाइन से देख लो, तभी ये टॉपिक आपको समझ में आएगा, और वो वाली वीडियो आपने देख ली तो चुटकियों में ये वाला टॉपिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, बात वेजे में घुस रही। ठीक, अब मैकेनिकल एडवांटेज बन निकल के आया। ठीक, सेकंड वाला हमने क्या पढ़ाया था, अ सिंगल मूवेबल पुली। बच्चों ये कैसे एक्ट करता था, ये एक्ट करता था एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। फोर्स मल्टीप्लायर की तरह एक्ट करता था, तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना निकल के आया था बच्चों, ग्रेटर देन वन। ठीक, मतलब इसमें जो इफर्ट हम दे रहे थे, ध्यान से सुनना बच्चों, इसमें जो इफर्ट दे रहे थे वो लेस देन लोड था। इफर्ट क्या था, लेस देन लोड था। ठीक है, अगर लोड पे, ठीक, कितना टेंशन है, 3T, तो इफर्ट कितना देना पड़ रहा था, T। समझ में आया, मतलब जो इफर्ट है वो तीन गुना मल्टीप्लाई होके, जो इफर्ट था वो फोर्स को तीन गुना मल्टीप्लाई कर रहा था। ठीक भाई, कोई भी काम पे लोड ज्यादा हो और हमको कम इफर्ट देना पड़ रहा हो, मतलब सीधा सा है कि मैं फोर्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। बात भेजे में आई, ठीक, समझ में आ गया, मतलब इफर्ट को हम बहुत कम देंगे और लोड होगा वो ऊपर उठता हुआ चला आएगा। ठीक, किसकी मदद से, पुली है तो पुली की तरफ से कह दो। बात भेजे में घुसी, तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा ग्रेटर देन वन होगा। किसका, जब कोई भी मशीन या कोई भी पुली कैसी होगी, ग्रेटर देन वन, उसका मैकेनिकल एडवांटेज निकल के आएगा। ठीक, मैकेनिकल एडवांटेज किसके बराबर होता है वो सारी वीडियो में मैंने पहले ही बता रखा है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके देख लेना। इतनी बात भेजे में घुस गई। ठीक, अब बच्चों कुछ पॉइंट्स और आपको बताते हैं। कुछ पॉइंट्स ये कि मैंने कल आपको पढ़ाया था कॉम्बिनेशन ऑफ पुली। ठीक है, एक पॉइंट और देख लो, कॉम्बिनेशन ऑफ पुली कैसे काम करता है, निठल्लो समझ लो। कॉम्बिनेशन ऑफ पुली में क्या किया हमने, सिंगल मूवेबल पुली को ऐड कर दिया किससे, सिंगल फिक्स पुली से। थोड़ा बेसिक से समझा रहे, अभी समझ में आ जाएगा, सिंगल फिक्स पुली के साथ। ठीक, अब सिंगल मूवेबल पुली मैंने कैसे बनाई थी, मान लो ये क्या है, फिक्स पॉइंट है, ये स्ट्रिंग है ऐसे, और यहां कहीं लोड था, ये लोड था, और ये वाला पॉइंट क्या था, इफर्ट वाला पॉइंट। ठीक, अब मैंने तुमको बताया है कि जो ये क्या है, स्ट्रिंग है। ठीक है, स्ट्रिंग है, और कोई भी पॉइंट से दूर जाता हुआ, अभी फ्रॉम द पॉइंट हमेशा क्या लगता है, टेंशन। तो इस लोड पे एक तो रस्सी इधर जा रही है, तो इससे दूर लगता हुआ टेंशन ये, और एक टेंशन इधर। इफर्ट देखो किधर जा रहा है भाई, रस्सी तो सेम है तो टेंशन भी सेम रहेगा। इफर्ट पे कितना होगा, सिर्फ टेंशन, टी।
बात भेजे में घुसी। अब मैंने क्या किया था, ये तो सिंगल मूवेबल पुली है जो किसकी तरह एक्ट करेगा, एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर, एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। हम रिवाइज करा रहे हैं अभी टॉपिक, ठीक। अब मैंने क्या किया, यहां पे देखो, ठीक, ध्यान से देखना, यहां पे मैंने क्या किया, एक फिक्स पुली लगा दी, ठीक। ये क्या कर दिया, मैंने फिक्स पुली लगा दी यहां पे, ठीक। तो टेंशन तो टी रहेगा, इस पॉइंट से दूर जाता हुआ टेंशन टी एक ये, और ये टेंशन टी एक इधर, ठीक है। और ये वाला पॉइंट क्या हो गया, इफर्ट। अब इससे दूर जाता हुआ टेंशन टी इधर, भाई ये डिस्क भी तो टेंशन लगाएगा, एक टेंशन इधर एक टेंशन इधर, ये भी डिस्क है एक तरह से पुली है, ये भी दो पॉइंट लगे हैं ना, स्ट्रिंग इधर से जा रही है, तो इस तरफ से दूर जाता हुआ टेंशन ये और इस तरफ से दूर जाता हुआ टेंशन ये, इतनी बात भेजे में घुसी। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस वाले पॉइंट पे इफर्ट दे रहा हूं तो ये पुली क्या करेगी, मूव करेगी भाई। अगर मैं पुली को देखो, अगर जब इफर्ट यहां था इस वाले पॉइंट पे और तब मैं नीचे से ऊपर इफर्ट लगा रहा हूं, देखो ऐसे लगा रहा हूं, ठीक, इफर्ट ज्यादा लगेगा भाई, कोई चीज नीचे से ऊपर उठाओ तो अपोजिट टू द ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, ठीक, बॉडी को हम ग्रेविटी से दूर लेके जा रहे हैं, ठीक, तो वैसे ही हमारी हालत खराब हो जाएगी भाई। कोई चीज को ऐसे उठा रहे और कोई चीज को ऐसे उठा रहे, किस में ज्यादा आसानी होगी, ऊपर से नीचे लाने में, ठीक। तो बस हमने कुछ नहीं किया, इस मूवेबल पुली को एक और फिक्स पुली के साथ कनेक्ट कर दिया, जिससे कि ये जो पुली है आसानी से ऊपर उठ जाएगी। तो ये क्या हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ पुली का एग्जाम्पल हो गया, ठीक। अब हम यहां पे एफर्ट लगाएंगे तो ये पुली आसानी से ऊपर आती जाएगी, बात भेजे में घुसी, ठीक है। और ये वाली जो फिक्स पुली है ये क्या करेगी, डायरेक्शन ऑफ एफर्ट को चेंज कर देगी, और ये वाली जो पुली है ये एक्ट करेगी एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। इतनी बात नोट हो करो, इतनी बात समझ में आ गई तो फटाफट नोट करो, इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना चाहो नोट कर लो, नोट करो फटाक से। देखो पहली चीज है रिवीजन मस्ट है, आप ये सोचो कि अगर हम पहले ये वाला टॉपिक पढ़ा दें रिवाइज ना कराएं तो गई भैंस पानी में, ठीक। तो रिवीजन करना जरूरी है, इतना नोट करो, और चाहो तो ऐसे भी लिख लो। देखो मैंने क्या बताया था, अगर स्ट्रिंग सेम रहेगा, स्ट्रिंग कह दो या थ्रेड कह दो, ठीक है। अभी यहां पे ब्लॉक वाला पढ़ाएंगे, ब्लॉक ऑन ब्लॉक एंड टैकल पुली में, तो जो स्ट्रिंग है इसको हम टैकल भी बोलेंगे, ठीक, फिलहाल के लिए भी समझ लो। अगर ये सेम रहेगा तो टेंशन भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, टेंशन भी सेम रहेगा, स्ट्रिंग चेंज नहीं होगा तो टेंशन भी चेंज नहीं होगा, बात भेजे में घुसी। और टेंशन बेटा हमेशा एक्ट करता है अभी फ्रॉम द पॉइंट, लिख लो, टेंशन इज ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द पॉइंट, चाहे वो कोई सा भी पॉइंट हो, उससे दूर जाता हुआ हमेशा टेंशन एक्ट करेगा। मान लो ऐसे देखो, ये पुली है और यहां पे एम मास का ऑब्जेक्ट है, और इस ब्लॉक से दूर जाता हुआ टेंशन टी इधर, और इस डिस्क से दूर जाता हुआ टेंशन टी इधर, ठीक। इस एम मास के ऑब्जेक्ट है, इससे दूर जाता हुआ टेंशन टी इधर, और इस वाले डिस्क के रिस्पेक्ट में दूर जाता हुआ टेंशन टी इधर, आई बात समझ में, और इस डिस्क से ऊपर जाता हुआ टेंशन टी एक इधर और एक टेंशन टी इधर, बात समझ में आई। और ये टेंशन टू टी क्या कर रहा है, इस पूरी डिस्क को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है भैया। ये क्यों आया समझ में, नहीं आया पीछे की वीडियो देखो, फटाक से समझ में आ जाएगा, नोट करो फटाक से, नोट करो बच्चा पार्टी, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं नोट करने के लिए, जिसको समझ समझ के नोट करना है नोट करो, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट लो, जैसा आप चाहो वैसा आपके सामने पेश हो जाएंगे, फटाफट नोट करो। जल्दी नोट करो बच्चों, जल्दी से नोट करो। कल की वीडियो में थोड़ा दिक्कत हो गई थी, उसके लिए माफी चाहूंगा, कल सच में थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी, जिसमें लास्ट वाला जो पोर्शन था उसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है कमी रह गई, कमी रहने का मतलब है कुछ पॉइंट्स मैंने वहाँ डिस्कस नहीं किए, वो इस वाले वीडियो में कर दूंगा, और कुछ मज़ेदार से पुली वाले कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्वेश्चंस कराऊंगा एक अलग से, ठीक है, क्वेश्चन की वीडियो लाऊंगा मशीन के चैप्टर की, तो आपको बिंदास तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। फटाफट नोट करो, इतना पहले नोट करो।
ठीक, ये सब ये चीज याद रखना। अगर स्ट्रिंग कोई भी, चाहे कॉम्बिनेशन ऑफ पुली हो, चाहे फिक्स पुली हो, चाहे ब्लॉक एंड टैकल पुली हो, ठीक, हम जो डिस्क कितनी भी लगा दें, डिस्क कितनी भी लगा दें, जो ये पुली है ना, इसको हम डिस्क बोलते हैं, हमने बताया, ठीक, और इसी से थ्रेड लटका दिया जाता है तो ये क्या हो जाता है, पुली बन जाता है, ठीक। जो ये डिस्क है, कितनी भी डिस्क लगा दें, अगर धागा चेंज नहीं करेंगे, स्ट्रिंग चेंज नहीं करेंगे, तो टेंशन कभी चेंज नहीं होगा, ठीक। और डिफरेंट पॉइंट की वजह से टेंशन डिफरेंट लगेगा, टेंशन डिफरेंट का मतलब है पॉइंट के रिस्पेक्ट में दूर जाता हुआ टेंशन लगेगा, लेकिन टेंशन तो सेम ही रहेगा। टी 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 बात भेजे में घुसी, ठीक, नोट करो जल्दी और मैं रफ करने जा रहा हूं, ठीक। सर आप क्या पढ़ा रहे हो सर, टेंशन वाला पढ़ा रहे हो टॉपिक, वैसे भी पेपर की इतनी टेंशन हो रही है, क्या करें, टेंशन लेनी कहां है, टेंशन का ही लोगे, पहले तो हमने पढ़ाई नहीं की, अब टेंशन ले रहे हैं। तो टेंशन अगर हो रही है तो भाई काम क्या कर सकते हो भाई, हैवी लोड उठाना है, इफर्ट कम देना है, तो फोर्स को मल्टीप्लाई कर दो, फोर्स को मल्टीप्लाई करो, फिजिक्स के स्टूडेंट हो, ठीक, स्ट्रेटजी सही से बनाओ। एग्जाम टफ नहीं होता है, कोई एग्जाम टफ नहीं होता है, एग्जाम को टफ कौन बनाता है, हमारा माइंडसेट। माइंडसेट तुम्हारा एकदम क्लियर हो ना, एफिशिएंसी 100%, हम पूरा चैप्टर एफिशिएंसी पे है, ठीक है, एफिशिएंसी अगर 100% आपकी है तो कोई एग्जाम टफ नहीं है। लाइफ में जितने भी गोल आप बना रहे हो ना, हर चीज पाई जा सकती है, दुनिया की हर चीज आप पा सकते हो, आप नहीं, मैं अपने लिए कह रहा हूं, दुनिया की हर चीज मैं या आप पा सकते हो, अगर एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ उस एम पर वर्क किया जाए। डगमगाओगे, गिरोगे, फड़फड़ाओगे, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। और एक इंसान की सबसे बड़ी चीज यही है, इंसान मकड़ी के धागे जाल जैसा होता है, कब किस फंदे में उलझ जाए नहीं पता, लेकिन घबरा के फड़फड़ा के मरना नहीं है, रास्ते बनाने हैं, समझ में आया। और अपने आप को हमेशा थम्स अप करो कि तुमने जो भी परिस्थिति देखी है और उससे ऊपर उठ गए हो, तुरंत अपने आप को एकदम सैल्यूट करो कि भाई क्या क्या टैलेंट पाया है तुमने। अपने आप को प्रेज नहीं करते हो आप, क्यों, सामने वाले को सुपीरियर समझते हो, अपने आप को इन्फीरियर समझते हो, प्रेज का ही करना, प्रेज करो, गलती करी है तो प्रेज करो, कुछ अच्छा किया है तो प्रेज करो, क्योंकि तुमसे बेहतर तुम्हें कोई समझता नहीं है और कोई समझेगा भी नहीं। तुम यूनिक हो, मैं यूनिक हूं, मेरा थंब या मेरा आधार कार्ड का ये थंब किसी और के साथ मैच नहीं करता, हैंस कि मैं यूनिक हूं, हूं, कोई मुझसे लाख बेहतर हो सकता है, कोई मुझसे लाख गुना बदतमीज हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट मैं नहीं हो सकता, ठीक, आगे बढ़े, ठीक है। तो ब्लॉक एंड टैकल पुली आपको समझ में आ जाएगा अभी, ठीक, थोड़ा बहुत हो जाता है मोटिवेशन, कोई दिक्कत नहीं। तो स्टार्ट करते हैं, देखो कैसे करेंगे, मान लो ये स्ट्रिंग है, ठीक है, मैंने इसको फिक्स कर दिया, अभी मैं जो कहानी बताऊं आपको वो याद रखनी है, ठीक है। ठीक, हम क्या कर रहे हैं, तीन डिस्क कंसीडर कर रहे हैं, अपर वाली टू डिस्क को, एक ये डिस्क वन है और ये डिस्क टू है, ये डिस्क थ्री है, इसको हम डिस्क बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। इसके सेंटर को और एक्सिस को मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, तो जो ये वाली पुली है एक्ट एज अ फिक्स्ड पुली, और जो ये वाली पुली है बच्चों एक्ट एज अ मूवेबल पुली। बात भेजे में घुसी। अब सबसे बड़ी चीज है, आदमी नहीं कहता फेंको मैं धागे से लपेट रहा हूं, तो सेम तुम्हें धागे से यहां लपेटना है, ठीक। इस वाले एंड को मैंने क्या किया, हुक से कनेक्ट कर दिया, और इस वाली को यहां पे, इस थर्ड वाली जो पुली है इस पे क्या कर रहा है, एक लोड एक्ट कर रहा है, ठीक है, एल ओ ए डी लोड, ठीक। ये वाली दोनों अपर टू लिख दो, अपर
टू पुलिस अपर टू एक्ट एज अ फिक्स पुली। ठीक, अब धागा लपेटने की बारी आई, तो धागा कहां से लपेटेंगे? धागा देखो कैसे लपेटना है, यहां से स्टार्ट करो, यहां से ऐसे, यहां से होता हुआ ऐसे, और इसके अपोजिट वाले एंड पे कनेक्ट कर दो। ठीक, ऊपर से आया धागा, इसके अपोजिट वाले नीचे वाले हुक पे कनेक्ट कर दो। जो मूवेबल पुली है उसके हुक पे हमको क्या करना है, इस धागे को कनेक्ट करना है। इस फिक्स पुली के धागे मतलब जो हुक है यहां पे कनेक्ट नहीं करना है, मूवेबल पुली के हुक पे हमको क्या करना है, इसको कनेक्ट करना है। समझ में आया? ये वाला रीजन है, यहां से हम क्या देंगे, इफर्ट देंगे। इस वाले पॉइंट पे क्या देंगे, इफर्ट देंगे। ध्यान से सुनो, इस वाले पॉइंट पे क्या कर देंगे, इफर्ट देंगे। ठीक, हमने क्या किया, धागा ऐसे लपेटा, यहां से ऐसे आया और सबसे पहले नीचे थर्ड वाले डिस्क के पास गया, और फिर इधर से ऊपर लाते हुए, इधर से लाते हुए कहां ले गए, हमने नीचे वाले हुक से कनेक्ट कर दिया। आई बात समझ में? अब देखो मैंने क्या बताया था, अभी कॉन्सेप्ट समझाया था, इस डिस्क से दूर जाता हुआ टेंशन टी एक ये, और एक टेंशन टी इधर। भाई इस वाली डिस्क से दूर जाता हुआ टेंशन टी इधर, और इस इफर्ट से दूर जाता हुआ टेंशन टी इधर। बात भेजे में घुसी? ठीक, अब स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन भी सेम रहेगा, और क्योंकि ये वाली लोड से, थर्ड वाली पुली से ये वाला धागा कनेक्ट है, तो यहां पे भी टेंशन लग रहा होगा। ठीक, देखो क्योंकि ये हुक कनेक्ट किससे, इस वाले थर्ड वाले पुली के साथ, तो इस पे भी तो टेंशन लग रहा होगा, इससे दूर जाता हुआ, इस हुक से दूर जाता हुआ। आई बात समझ में? बहुत बढ़िया बच्चों, यहां पे भी टेंशन टी लग रहा होगा, बहुत बढ़िया। अब मैं ये पूछूं कि जो लोड वाला पॉइंट है, देखो लोड वाले पॉइंट पे जो टेंशन लग रहा है कितना लग रहा है, एक दो, और ये वाला हुक भी तो कनेक्ट है टी, तो थ्री टी। इफर्ट वाले पे कितना टेंशन लग रहा है टी। अच्छा बच्चों, इफर्ट को कौन सा फोर्स खींच रहा है, टेंशन फोर्स। लोड को कौन सा फोर्स ऊपर उठा रहा है, टेंशन फोर्स। तो बच्चों मैकेनिकल एडवांटेज पढ़ाते पढ़ाते मैं मर गया, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, रेशियो ऑफ लोड टू द इफर्ट, लोड, अरे भैया लोड टू इफर्ट, तो कितना आ गया, एम ए बराबर आ गया बच्चों 3t अपॉन t, कट के आ गया, मैकेनिकल एडवांटेज आ गया 3। बला क्या है सर, मैंने आपको बताया था कि जब मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन बनो तो जो मशीन है या पुली है वो कैसे एक्ट करेगी, एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर, याद हो गया ना। और ये मैकेनिकल एडवांटेज कितना निकल के आ रहा, 3 निकल के आ रहा, तो मतलब मैकेनिकल एडवांटेज 3 है, मतलब 3 एक से तो ज्यादा ही है, तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। मतलब जब इफर्ट हम सिर्फ t टाइम्स दे रहे हैं तो वो कितना लोड को ऊपर उठा रहा है, 3t टाइम्स को। समझ में आया? मतलब जो इफर्ट दे रहे हैं वो 3 गुना फोर्स को मल्टीप्लाई कर रहा है। देखो जो यहां पे इफर्ट है वो 3 गुना फोर्स को क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत तो यहां पे लिख लो, जो इफर्ट है वो फोर्स को 3 गुना मल्टीप्लाई करेगा। लिख लो यहां पे, इफर्ट है वो 3 गुना फोर्स को क्या कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा, इससे कि लोड ये है, जो ये लोड है ऊपर उठ के आसानी से आ जाएगा। बात भेजे में घुस गई, इतनी बात समझ में आई? अब बच्चों ध्यान से सुनो, अभी मैंने बताया था कि मैकेनिकल एडवांटेज एम ए वेलोसिटी रेशियो के बराबर अगर आ जाता है तो ये मशीन कैसी होती है, आइडल मशीन होती है। कैसी मशीन होती है, आइडल मशीन। और आइडल मशीन की जो एफिशिएंसी होती है बच्चों, एफिशिएंसी वो कितनी होती है, 100%। समझ में आ गया? अब मैकेनिकल एडवांटेज का एक और फॉर्मूला होता है बच्चों, ये पी की पॉइंट्स है, नोट कर लेना। मैकेनिकल एडवांटेज होता है एफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो। अगर कोई भी मशीन की एफिशिएंसी 1 है और मैकेनिकल एडवांटेज इसका कितना निकल के आया, 3, तो वेलोसिटी रेशियो किसके बराबर आ गया, मैकेनिकल एडवांटेज के बराबर। ठीक है, आ गया या नहीं आ गया, देखो। और मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो के बराबर आ गया, मतलब ये मशीन कैसी है, आइडल मशीन है। ये मशीन कैसी है, आइडल मशीन है। मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं सिर्फ आपको। ठीक, अब यहां पे एक चीज और देखो, यहां पे लिख दे की पॉइंट डाल के। ठीक, ये की पॉइंट्स आपको नोट करते हुए चलने हैं। ठीक, मैंने आपको एक चीज और बताई है, ध्यान से सुनना। अगर कोई भी बॉडी का, देखो लिखो, कोई भी मशीन का, लिखो ऐसे हिंदी में लिखो, कोई भी मशीन का, कोई भी मशीन का, मशीन का वेलोसिटी रेशियो फिक्स्ड रहता है, फिक्स्ड
रहता है। कोई भी मशीन का जो वेलोसिटी रेशियो है वो हमेशा फिक्स हो जाता है, ठीक, मशीन के बनते ही। ठीक, अब वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं पीछे की वीडियो में। वेलोसिटी रेशियो होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ इफर्ट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। ठीक, लोड का कितना डिस्प्लेसमेंट है और इफर्ट का कितना डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ इफर्ट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड क्या बताता है, वेलोसिटी रेशियो। अब ये और ये यूनिट लेस होता है क्योंकि दोनों की यूनिट क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। इतनी बात भेजे में घुस गई, ठीक, वीडियो की लेंथ तो ज्यादा नहीं हो गई, चलने दो, कोई बात नहीं, 22 मिनट की वीडियो हो चुकी है, इतनी बात भेजे में घुसी, बहुत बढ़िया। ये टॉपिक समझ में आ गया ना, तो पूरा मशीन का पीछे के सारे टॉपिक आपको क्लियर हो जाएंगे और मशीन पूरा चैप्टर आपको उंगलियों पे तैयार हो जाएगा। मैं गारंटी देता हूं मशीन की जितनी भी वीडियो है 8 या 9 अगर आपने देख ली, आप पेपर में फोड़ गया होगे, और बचा कुचा मैं न्यूमेरिकल अलग से करा दूंगा, बिंदास चैप्टर तैयार, बिंदास। ठीक, चाहे बुक खोलो या ना खोलो, बस कॉन्सेप्ट पढ़ लो, यहां पे समझ में आ जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत। अब बच्चों एक चीज और देखो, यहां पे ये वाली जो लाइन है, ये वाली, ठीक, एफिशिएंसी अगर 1 है तो मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो के बराबर आ गया। ठीक, और मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी के रेशियो बराबर आ गया तो ये मशीन कैसी होगी, आइडल मशीन होगी। अगर इसकी एफिशिएंसी लेस देन 1 है तो ये रियल मशीन या प्रैक्टिकल मशीन की तरह वर्क करेगा, इसका वेलोसिटी रेशियो तो फिक्स रहेगा लेकिन मैकेनिकल एडवांटेज उस टाइम फिर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो प्रैक्टिकल मशीन की पॉइंट समझना, प्रैक्टिकल मशीन की एफिशिएंसी हमेशा लेस देन 1 होती है, जिसकी वजह से उसका मैकेनिकल एडवांटेज कभी भी वेलोसिटी रेशियो के बराबर नहीं आएगा। ऐसे लिख लो इधर, ठीक, ऐसे लिखो की पॉइंट डाल के, फॉर प्रैक्टिकल मशीन मैकेनिकल एडवांटेज डज नॉट इक्वल्स टू वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, या कह दो मैकेनिकल एडवांटेज या तो लेस देन आएगा वेलोसिटी रेशियो के, ग्रेटर देन कह दो या लेस देन कह दो, ठीक है, लेस देन कह दो वेलोसिटी रेशियो से। ठीक, मतलब ये तो फिक्स रहेगा, ये चेंज होगा सिर्फ, समझ में आ गया, कोई तकलीफ, ये नोट कर लो। ठीक, अब इसमें एक चीज ध्यान से सुनो, एक चीज और ट्रिक बता रही, जितनी स्ट्रिंग होंगी लोड पे टेंशन भी उतना ही, मतलब स्ट्रिंग तो सेम है, सॉरी, जितनी डिस्क लगी है 1, 2, 3 तो लोड पे जो टेंशन लगेगा उतना ही लगेगा, कितना लगेगा, टी, 1, 2, 3। ठीक, ध्यान सुनो, 1, 2, 3। ठीक, अब जाहिर सी बात है, तीन स्ट्रिंग मिलके, भाई सॉरी क्या कह रहा हूं, ये तीन जो डिस्क हैं, ठीक, ये वाली मूवेबल है, जाहिर सी बात है इससे स्ट्रिंग कनेक्ट है, इस धागे की मदद से ये लोड ऊपर उठ रहा है, ध्यान से सुनना, इस धागे की मदद से ही तो ये लोड ऊपर उठ रहा है, हम इफर्ट और लोड की बात नहीं कर रहे, इस धागे की मदद से ये लोड ऊपर उठ रहा है, जिसकी वजह से ये धागा जो है ये टैकल की तरह एक्ट करेगा, टैकल, ठीक, और जो ये डिस्क है ये ब्लॉक की तरह एक्ट करेगा। ठीक, इसमें लिख दो ब्रैकेट में डिस्क, समझ में आ गया, और इसको लिख दो स्ट्रिंग। ठीक है, तो स्ट्रिंग जो है वो टैकल की तरह एक्ट करेगा और जो ब्लॉक है या डिस्क है वो ब्लॉक की तरह, आई बात समझ में, कोई तकलीफ। अब देखो कितने डिस्क है, 1, 2, 3, ठीक, तीन डिस्क है तो लोड पे टेंशन कितना लगेगा, 3, ध्यान से समझ लो, ऐसे ट्रिक में बता रहा हूं, तीन डिस्क तो लोड पे टेंशन कितना हुआ है, 3T, लोड पे बता रहा हूं, इफर्ट पे नहीं, इतना नोट करो। अभी मैं 4 पुली वाला कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फिर 5 पुली वाला कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फटाफट नोट करो बच्चा पार्टी, थोड़ा टॉपिक बड़ा हो गया बच्चों, कोई बात नहीं, बड़ा हो जाने दो बड़ा, रब करें, ठीक है, मैं इस साइड वाला रब कर रहा हूं, ठीक है, इस साइड वाला, बस ये वाला रफ नहीं कर रहा हूं, ध्यान से समझो, इस साइड वाले में, अरे बोर्ड ठीक ठाक है भैया, यहां पे देखो, यहां पे 4 पुली वाला डाल लूं कॉन्सेप्ट, ये किसके लिए था, 3 पुली के लिए, ठीक, 4 पुली के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, पहले यहां से एक फिक्स कर दिया इस वाले पॉइंट को, यहां पे 2 स्ट्रिंग लगा दी, ठीक है, और 2 स्ट्रिंग नीचे लगा दी, ठीक, ये बीच वाला छोटा बन गया क्या, ठीक, सही बना दे, ठीक, ये दोनों कैसी हैं, मूवेबल पुली हैं, नीचे वाली दोनों कैसी हैं,
मूवेबल पुली है, ठीक, और ऊपर वाली कैसी है, ये दोनों फिक्स पुली है, ठीक, कोई तकलीफ, कोई भी तकलीफ, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक। अब मेरे को धागा लगाना है तो कुछ नहीं, यहां से लेके जाओ ऐसे, सबसे पहले नीचे वाले के पास सबसे पहले, फिर सबसे, फिर सेकंड वाले पे आओ, फिर ऐसे कर दिया, सॉरी गलत हो गया, हल्का सा गलत ऐसे हो गया, ये देखो ऐसे गया, अब यहां से तो वापस जा नहीं सकता, देखो यहां से वापस जा नहीं सकता, तो इस वाले हुक से कनेक्ट हो जाएगा, किससे, फिक्स्ड वाले से, ऐसे कनेक्ट कर दो भाई, इसके हुक से ना कनेक्ट करके किससे करेंगे, फिक्स्ड वाले से करेंगे, आई बात समझ में, ठीक। देखो यहां से हम स्ट्रिंग को लेके गए, ऐसे धागा डाला ऐसे ऊपर से, पहले सबसे नीचे, ठीक, क्योंकि ये मूवेबल पुली है, और यहां पे क्या है, लोड लटक रहा है, ठीक, यहां पे लोड है, तो ऊपर से लेके आए धागे को सबसे नीचे वाले पे, फिर सबसे नीचे वाले पे सेकंड वाले पे, और सेकंड वाले से फिर नीचे लेके आए, क्योंकि नीचे तो जा नहीं सकता, अब इस पे जाएगा, और इसके बाद जाने के बाद अब वापस आने का रास्ता नहीं, तो जो फिक्स पुली है इसके हुक से हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, आई बात समझ में, और यहां पे क्या दे रहे हैं, इफर्ट दे रहे हैं, थोड़ा सा टॉपिक है, थोड़ा सा समझ लो, यहां पे क्या दे रहे हैं, इफर्ट दे रहे हैं, नीचे वाला लोड वाला पॉइंट है, तो यहां पे टेंशन टी एक, इस ब्लॉक से दूर जाता हुआ टेंशन ये रहा, लोड वाले पे कितना टेंशन एक्ट करेगा भैया, देखो लोड कितना, एक टी इधर, एक टी इधर, ठीक, एक टी ये रहा, और दूसरा टी इस वाले पॉइंट से दूर जाता हुआ टेंशन टी इधर, क्योंकि इफर्ट यहां है, लोड वाला पॉइंट ये, क्योंकि ये तो ऊपर उठेगा ना, धागा यहां से खींचेंगे, इफर्ट यहां लगाएंगे, तो ये लोड ऊपर उठ के आएगा, आएगा या नहीं आएगा, तो लोड कितना है, एक दो तीन चार है या नहीं, क्योंकि देखो ये दोनों जो स्ट्रिंग है नीचे वाली दोनों कैसी है, मूवेबल है, तो ये पूरा लोड ऊपर उठ के जाएगा ना भाई, और ये इस लोड से होता हुआ दूर टेंशन लिए जा रहा, बात समझ भाई, इस लोड से दूर जाता हुआ टेंशन ये रहा, तो एक दो तीन चार, फिर एम ए निकालेंगे कितना आएगा बच्चों, 40 अपॉन टी, अब मैकेनिकल एडवांटेज कितना निकल के आ रहा, चार, सेम प्रोसेस होगी, आई बात समझ में, सेम ऐसे वेलोसिटी, सेम ऐसे वेलोसिटी रेशियो निकाल लेंगे, सेम ऐसे ही एफिशिएंसी, या फिर मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी का रिलेशन निकाल लेंगे, ठीक, पांच पुली वाला कॉन्सेप्ट समझाएं, इतना समझ में आया। अब देखो यहां पे वो डिस्क कितनी थी, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, तो लोड पे टेंशन कितना हो गया, 40, देखो डिस्क कितनी थी, एक दो तीन चार, तो लोड पे टेंशन कितना हो गया टी, अब यहां पे जो इफर्ट है कितने गुना मल्टीप्लाई हो रहा है, फोर्स, चार गुना भाई, इफर्ट थोड़ा सा दे रहे हैं लेकिन फोर्स मल्टीप्लाई कितना हो रहा है, चार गुना, बात भेजे में घुसी, एकदम फट से ऊपर उठेगा, इतना नोट करो, फटाफट नोट करो, नोट करो बेटा, नोट करो, नोट करो बेटा, नोट करो, नोट करो, नोट करो, नोट करो, कर लिया, रब करें, बहुत बढ़िया। अब देखो फाइव पुली वाला कॉन्सेप्ट देख रहे, फाइव पुली सेम चीज, किच 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 किच, हमने क्या किया, फिक्स कर दिया यहां पे, एक पुली, दो पुली, तीन पुली, और नीचे दो दे दी, दिख रहा है वीडियो में, दिख रहा है ना, ठीक है, नहीं दिख रहा, थोड़ा छोटा बना रहे, देखो ध्यान से देखो, ऐसे देखो, ठीक है, तिरछा हो गया क्या, कोई बात नहीं, देखो ये वाली जो तीनों पुली है ये कैसी है, फिक्स्ड है, और नीचे वाली दोनों पुली कैसी है, मूवेबल है, और यहां पे लोड लटक रहा है, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे लोड है, लोड नीचे रहेगा, अब हमको क्या करना है, ये तीनों ऊपर वाली कैसी है, फिक्स्ड है, कैसी है, फिक्स्ड पुली है, और नीचे वाली ये दोनों कैसी है, मूवेबल पुली है,
बात भेजे में घुसी, अब बात करना धागा डालना, धागा डालो ऐसे, अरे यार ऐसे डालो, ऐसे सबसे नीचे वाले पे लेके जाओ, ऐसे अब यहाँ से गया, फिर सबसे ऊपर वाले पे लेके जाओ, ऐसे अरे अंदर से नहीं बाहर से, ऐसे डालो, ऐसे गया अब फिर सबसे नीचे वाली पे लेके आओ, ऐसे फिर यहाँ से ये ऐसे, अब इस वाले हुक से तो जाएगा नहीं वापस, किसके हुक से जाएगा, इसके, तो नीचे वाले हुक से क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। आई बात समझ में? ठीक, आई बात समझ में? देखो यहां से हमने डाला, अब तो डालना आ गया होगा धागा, ऐसे ये वाला पॉइंट क्या है, इफर्ट, इससे दूर जाता हुआ टेंशन टी इधर, और इस ब्लॉक से दूर जाता हुआ टेंशन टी इधर। मैं लोड वाले पॉइंट पे चेक कर रहा हूं, एक टेंशन टी इधर एक्ट करेगा, एक टेंशन टी इधर एक्ट करेगा, ठीक, एक टेंशन टी इधर, एक टेंशन टी इधर, क्योंकि दो वाला पॉइंट ब्लॉक है, देखो एक दो चार हो गया, और एक ये हुक वाला टेंशन, तो एक दो तीन चार पांच, तो मैकेनिकल एडवांटेज निकालेंगे कितना आएगा, 5t अपॉन t, ठीक, तो लोड पे कितने टेंशन लग रहे हैं बच्चों, 5, लोड पे कितने टेंशन लग रहे हैं, 5, देखो एक तो नीचे वाला, एक इधर एक इधर, अब इस वाली डिस्क से भी दूर जाता हुआ एक इधर एक इधर, अब ये हुक से भी तो एक धागा कनेक्ट है, तो इससे हुक से दूर जाता हुआ टेंशन इधर या हुक की तरफ, ठीक, तो ये भी तो टेंशन लगेगा, तो कितने हो गए 5t, अब देखो डिस्क कितनी, एक दो तीन चार पांच, तो लोड पे टेंशन कितना हो गया 5t। बात भेजे में घुस गई, समझ में आ गया, निकाल लोगे आप ऐसे रिलेशन, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए बच्चों।